हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं काफी दिनों बाद एक और नया वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सो बेसिकली मैं जाने वाला हूँ एक ट्रिप पे। मैं जाने वाला हूँ मेरी फोर्ड फिएस्टा से, और वो मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ में कुछ 3 से 4 फ्रेंड्स जाने वाले हैं, और इसमें थोड़ा अच्छा स्पेस है और थोड़ी कम्फर्टेबल रहेगी लॉन्ग राइड के लिए। स्विफ्ट मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज उसमें थोड़ा स्पेस कम है और हम 3 से 4 जने होंगे, मैक्सिमम 5 जने होंगे। अभी 4 जनों का फाइनल है, एक और की बात चल रही है। सो अगर उसका फाइनल हो जाता है तो हम 5 जने हो जाएंगे, और स्विफ्ट में थोड़ा लॉन्ग टूर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। सो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मेरी फोर्ड फिएस्टा लेके जाऊं। सो इसको ले जाने से पहले इसमें काफी सारे काम है जो मुझे कराने हैं। सो मैं एक एक करके बाहर उतर के आपको बताता हूँ कि क्या क्या काम कराने। सबसे पहले मुझे टायर लगवाने, साथ में इसकी विंडशील्ड जो है फ्रंट वाली, वो क्रैक है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो वो मुझे लगवानी है। सो टायर का काम जो है वो मेन है, और साथ में उसके मुझे इसकी सर्विस करवानी है। सो जो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे, वो रेगुलर जो सर्विस होती है वो मुझे करवानी है। साथ में विंडशील्ड हो गया, टायर हो गया, और साथ में एक और चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो अभी मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे काम करवाने हैं, और पूरे जो मैं ट्रिप पे कहाँ पे जा रहा हूँ उसकी भी सारी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा अभी धीरे धीरे। सो अभी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे काम करवाने हैं। तो आओ बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मुझे काम कराने हैं मेरी फोर्ड फिएस्टा में, ताकि मैं रेडी हो जाऊं इसके ट्रिप के लिए। सो सबसे पहले काम, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो इसका जो ये ड्राइवर साइड जो टायर है वो एकदम परफेक्ट है, बिकॉज कुछ टाइम पहले, साल भर पहले इसका जो कुछ एक्सीडेंट हो गया था, ये वाला जो पूरा साइड है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था इसका। सो इसका जो हेडलाइट है ये वाली, ये नई है और ये वाली पुरानी है। सो ये मुझे लगवानी है, ये बहुत ही गंदी लगती है, थोड़ी गंदी से हो रखी है, और ये नई है तो ये मुझे नई लगवानी है। साथ में इसका जो टायर है वो नया लगवा रखा था मैंने, केवल ये ड्राइवर साइड वाला, और बाकी के साइड के दिखाता हूँ कितने गंदे हो रखे हैं इसके टायर। ये देखो ये टायर पूरा खत्म हो रखा है इसका, और पीछे वाला ये वाला दिखाता हूँ। सो ये वाला जो टायर है ये भी एकदम खत्म हो रखा है, इसमें देखो आप बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है। सो काफी टाइम पहले मुझे चेंज करवाना चाहिए था, बट ये गाड़ी ज्यादा चलती नहीं है। सो मैंने सोचा अभी हम जो है लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, सो अब तो मैंडेटरी है कि इसका मैं टायर सारे चेंज करवाऊँ। और ये वाला देखो, इसकी भी बिल्कुल भी ये गंजा हो रखा है एकदम, ये देखो कोई भी किसी भी तरह की ग्रिप नहीं है इसके अंदर। सो ये सभी मुझे चेंज करवाना है। सबसे मेन जो काम है वो है टायर का, उसके साथ ही साथ मैं इसमें एक और आपको दिखाता हूँ। ये देखो अंदर का जो ये रबड़ है, 3 तरफ की, केवल ड्राइवर साइड वाली सही है, बाकी जो 3 डोर्स की जो रबड़ है वो मुझे चेंज करानी है। तो इससे क्या दिक्कत होती है जब हम हाईवे पे चलते हैं, ये देखो ड्राइवर साइड वाली भी ख़राब है, केवल वो वाला जो साइड है पैसेंजर वाला वो वाला सही है अभी, ये वाला जो है ये भी ख़राब हो रखा है, ये भी ख़राब हो रखा है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है जब हम हाईवे पे चलते हैं, सो हाईवे में जब थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है गाड़ी की, सो इसमें जो एयर की जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड आती है, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। देखो ये वाला जो है, ये वाला रबड़ एकदम परफेक्ट है, बाकी जो रबड़ हैं सारे ये भी परफेक्ट है, बस जो ड्राइवर साइड वाला है वो मुझे चेंज करवाना है, और ये जो पीछे वाला है ये चेंज करवाना है। फिर दो काम मुझे करवाने, टायर, इसका रबड़, फ्रंट में जो इसका हेडलाइट है ये वाली, ये मुझे लगवानी है, ये वाली हेडलाइट, और साथ ही साथ जो इसका विंडशील्ड है, ये देखो इसका विंडशील्ड पूरा ये फ्रंट वाला जो है क्रैक हो रखा है। ये क्यों हुआ था, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पत्थर पड़ा था हाईवे पे, तो इतना ही हुआ था, फिर ये बढ़ते 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 बढ़ते, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको पता है कि इसका जो एक क्रैक होता है ये बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हम इसको चलाते हैं और थोड़े पॉट होल्स पे जब थोड़े से झटके वटके आते हैं तो इसका जो क्रैक है वो बढ़ता रहता है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको गाड़ी की पूरी कंडीशन बताई है कि क्या क्या मुझे काम कराना है, इसके साथ में मुझे जो है कैमरे में अपग्रेड करना है। सो अभी मैं नॉर्मल जो सेल फोन है मेरा 1+ का उसको यूज कर रहा हूँ, पर इसमें क्या दिक्कत है, जो इसका फ्रंट कैमरा अगर अपन यूज करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, सो ये जूम इन हो जाता है,
और जूम इन होने के बाद तो थोड़ा वाइड एंगल जो है वो नहीं दिख पाता है, तो उसके लिए मैं कैमरा अपग्रेड कर रहा हूँ। कौन सा कैमरा लेने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या प्राइस में लेने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस प्राइस में आपको यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा। सो प्राइसेस बहुत ही अमेजिंग है उसकी, सो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कहाँ से लेने वाला हूँ, कौन से मार्केट से लेने वाला हूँ, और कंप्लीट जो भी गाड़ी का काम है वो मैं करवाने वाला हूँ। सो मैं जा रहा हूँ फोर्ड फिएस्टा से, और कहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, और अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि स्पेशली मैं कहीं पे जाऊँ नॉर्थ इंडिया में, सो वो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे जाने के लिए। सो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जल्दी से चलते हैं मार्केट में ताकि जल्दी से काम करा सके, और क्या क्या प्राइस में होता है वो कंप्लीट मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। सो आई एम ऑल सेट टू गो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए एक और चीज मुझे आपको दिखानी थी, अभी जो है गाड़ी चल रही है सामने, और इसका जो टायर जो है वो घिसा हुआ है ये वाला और पीछे के दोनों, तो उसकी वजह से देखो स्टेयरिंग अभी मैंने छोड़ दी है, तो इसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी जैसे ही इसमें नए टायर डल जाएंगे तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और अलाइनमेंट वगैरह होने के बाद। सो अभी जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है स्टेयरिंग। ऑलराइट गाइस, सो मैं पहुंच चुका हूं शॉप पे, और ये आप देख रहे हो यहां पे ये है भगत फोटोज, जो कि मैं आपको अगर बताऊं लोकेशन इसकी तो अजमेरी गेट पे, ये जो एरिया है ये अजमेरी गेट का, और यहां पे ये एक पेट्रोल पंप है भारत का। सो अगर यहां पे आप देखेंगे तो बगल में ही यहां पे शॉप है जो कि है भगत फोटोज के नाम से। सो इसके अंदर चलते हैं, और इसके जो प्राइसेस है वो काफ़ी अमेजिंग है, जो कि मैं कैमरा लेने वाला हूँ GoPro Hero 8। सो उसकी प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या डील मेरे को मिल रही है। सो ये मैंने फाइनल किया है GoPro का Hero 8, और ये स्पेशल जो बंडल पैकेज है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेगी हमें, ये हेड जो बैंड है वो मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी, साथ में एक 32 GB का कार्ड मिलेगा, और ये स्पॉटी मिलेगी जो एक स्टिक आती है। तो ये कंप्लीट जो बंडल पैकेज है वो मैं लेने वाला हूँ Hero 8 ब्लैक का, साथ में मैं एक ये 64 GB वाला कार्ड ले रहा हूँ। सो इसमें जो 32 GB आता है वो मेरे लिए सफिशियंट नहीं रह पाएगा अगर कुछ लंबी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक 64 GB का एक्सट्रीम वाला जो कार्ड है वो ही सपोर्ट करता है Hero 8, तो ये मैं लेने वाला हूँ। और इसकी प्राइसेस मैं आपको बताऊँ तो इस शॉप पे मुझे प्राइस इसकी मिल रही है 32,000 रुपीज़। सो 32,000 रुपये में मैं ये लेने वाला हूँ, और ये जो कार्ड की प्राइस है ये मुझे मिल रही है यहाँ पे 1,200 रुपीज़ का। सो पूरे मार्केट में अगर मैं जयपुर का ऑफलाइन मार्केट की बात करूँ, सो ये सबसे चीपेस्ट जो शॉप है यहाँ पे मेरे को मिली है, मैंने और 2-3 शॉप्स पे भी ट्राई किया था। सो अगर आप चाहें तो ये जो डील है वो आप ले सकते हैं, और कंप्लीट जो आप मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारे फोटोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी सारे गैजेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ का मैं आपको जो डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। सो ये है भगत फोटोज, और इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे से आप ले सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस में सभी प्रोडक्ट्स की। ऑलराइट, सो ये हो चुकी है हमारी बिलिंग, ये आप देख सकते हो 33,200 रुपीज़ की, और ये कंप्लीट दोनों चीज़ें मैंने ले ली है। सो जल्दी से अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या कुछ अंदर देखने को मिलता है, फिर जो नेक्स्ट जो आपको दिखेगी वीडियो फुटेज वो आपको दिखेगी इसी कैमरे से जो कि है Hero 8 GoPro का। सो जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये देख रहे हो आप GoPro से। सो ये मैंने ले लिया है, फाइनली परचेज कर लिया है, और मैंने आपको एड्रेस एग्जैक्टली बता दिया है, ये अजमेरी गेट है पूरा, ये वाला जो देख रहे हो आप ये अजमेरी गेट है, और यहाँ पे आपको गली में जाके शॉप मिलेगी जहाँ से मैंने GoPro लिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गाड़ी उठाते हैं, और सबसे पहले हम इसमें करवाते हैं टायर का काम। सो तीन टायर जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज करवाना है। जल्दी से MI रोड पे एक शॉप है जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चार्जेस हैं और क्या प्राइसेस मिल रही है टायर्स की। सो चलते हैं अभी। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ जो कि है जयपुर मोटर कंपनी, और यहाँ पे मुझे जो रेट्स हैं टायर के वो काफ़ी बढ़िया मिले। सो जो MRF का मैं जो मॉडल लगवा रहा हूँ वो ZB TV, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो टायर चाहे थे जो स्टॉक टायर्स हैं वो MRF के ही हैं, तो ब्रांड जो है वो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, जो नॉर्मल जो स्टॉक थे वही मैं रखने वाला हूँ। 175, 65
R14 इसका साइज है, तो यही मैं टायर लगवाने वाला हूँ MRF के। और इसकी जो प्राइस मुझे यहाँ पे इस शोरूम में मिली है वो मिली है अप्रॉक्स 3700, और 3700 प्लस इसके अंदर जो फिटिंग है वो फ्री मिलेगी। केवल जो पैसा मेरा लगने वाला है वो लगेगा इसके अंदर बैलेंसिंग के, वेट के, और साथ में जो अलाइनमेंट होगा उसके 300 रुपीज़, और ये कंप्लीट जो चार्जेस हैं वो लगने वाले हैं। तो अगर आप चाहें जयपुर में अगर टायर के लिए रेट अगर आप देखना चाहें तो जब भी आपको चेंज करवानी हो तो एक बार इधर जो शोरूम है इसमें ज़रूर आइएगा। तो टायर की जो फिटिंग्स है वो अभी सारी चल रही है, और इसमें जो मेरा फ्रंट का जो पैसेंजर वाला जो टायर था वो लगवा रहा हूँ मैं पीछे जो स्पेयर में, बिकॉज स्पेयर वाला जो टायर था वो भी ख़राब हो रखा था, तो वो मैं स्पेयर वाला जो है वो लगवा रहा हूँ जो फ्रंट पैसेंजर पे था। बाकी ये वाला जो टायर था जो यहाँ पे था वो तो एकदम परफेक्ट है, और साथ में जो मेरे रिम जो थे उनमें कुछ बैंड है सब में, तो उनको रिम को भी मुझे जो बैंड है वो भी यहाँ पे निकल रहा है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो लग रहे हैं 125 रुपये प्लस 75 रुपीज़ नोजल के, तो 200 रुपये में बैंड भी निकलवा रहा हूँ बिकॉज तो वो काफ़ी ज़रूरी है करवाना, बिकॉज़ अगर रिम में बैंड होता है चाहे टायर नए हो तो उसमें काफ़ी सारी जो है बबलिंग हो जाती है। सो बबलिंग जो है ये प्रॉब्लम अभी जो मैंने आपको दिखाई थी गाड़ी चलाते टाइम वो एकदम ठीक हो जाएगी। सो ये सारे काम करवाता हूँ, फिर ये करवाने के बाद में मैं आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ क्या चेंजेस है नए टायर लगवाने के बाद में। ऑलराइट गाइस, सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि रिम में किस तरह के बैंड आ रखे हैं। ये देखो यहाँ पे ये काफ़ी बड़े बड़े बैंड है सारी रिम में है ये, तो पांचों रिम में ये देखो इसके अंदर यहाँ पे बैंड है, और यहाँ इसमें भी बैंड था, सो इसमें ये यहाँ पे इस मशीन से निकाल रहे हैं इस बैंड को ताकि स्मूथ जो है वो हो सके, और एकदम जो नॉर्मल जैसे रिम होती है इस तरह की शेप आ जाएगी इसके अंदर। तो उसमें ड्राइव करने में जो बबलिंग हो रही थी वो इसी की वजह से हो रही थी, तो ये निकलवा लेते हैं फिर नए टायर लगवाएंगे ताकि जो है कंप्लीट हमारा एक्सपीरियंस बेस्ट हो सके ट्रैवल। तो ये टायर मैं लेके आ गया था आपको कंडीशन दिखाने के लिए कि किस तरह से हो गए थे इसके टायर। तो ये देखो एक टायर का ये पूरा जो वायर है वो अंदर का दिख रहा है, तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। इस वाले टायर के साथ ये प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर वो बोल रही थी बैंड आ गया है, और ये मैंने स्पेयर व्हील में डाल रखा था तो उस टाइम भी कुछ ऐसी दिक्कत आई होगी जो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था। बाकी वो वाला है वो भी पूरा डैमेज हो चुका है। सो ये कंप्लीट मैंने तीनों टायर चेंज करवा लिए हैं, जो स्टेपनी में था वो भी मैंने डलवा लिया है अच्छा वाला जो कि थोड़ा सा उसकी ठीक कंडीशन थी। सो ये कंप्लीट मैंने टायर का इसमें कस्टमाइजेशन कर लिया है, अब मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अभी आप जो फुटेज देख रहे हो वो देख रहे हो मेरे न्यू GoPro से, और पीछे की तरफ खड़ी है मेरी गाड़ी। सो इसमें मैंने क्या क्या अपडेट करवाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी तक जो मैंने काम करवाया है वो है इसके टायर्स। सो टायर्स मैंने इसके तीन टायर्स नए लगवा लिए, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे जो टायर था उसको मैंने पीछे लगवा दिया। बाकी मैंने कुछ सामान लिया है जो कि मुझे सर्विस के टाइम पे इंस्टॉल करवाना है, जैसे कि ये जो फेंडर लाइन है ये मैंने इस वाले टायर की लगवाई है। सो ये देख रहे हो इसके अंदर फेंडर लाइन नहीं है, सो इसकी फेंडर लाइन मैंने ले ली है मार्केट से, और जो मैंने रबड़ की आपको बात की थी वो रबड़ भी मैंने ले लिया है, और इसकी जब मैं सर्विस करवाऊँगा तो वहीं से मैं ये सारी चीज़ें करवा लूँगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आज जो भी कंप्लीट जो मेरे को कस्टमाइजेशन करवाना था वो मैंने करवा लिया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो अब मैं राइड पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बस इसकी सर्विस करवानी है और उसके बाद में मैं आराम से जा सकता हूँ। इसकी जो ये लाइट है ये लाइट मुझे अभी मार्केट में मिली नहीं है, और अगर मैं फोर्ड के जेन्युइन पार्ट से लूँगा तो वो मुझे काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, सो इसलिए वो अभी मैं नहीं लगवा रहा हूँ। सो देखते हैं, अगर कल एक बार और मैं ट्राई करता हूँ, अगर कहीं पे चीप रेट में मिल जाती है तो वो मैं लगवाता हूँ। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं, टायर्स मैंने लगवा लिए, सर्विस मैं करवा लूँगा और उसके बाद में मैं निकल जाऊँगा। और एक और चीज़ जो मुझे इसकी विंडशील्ड करवानी थी, तो विंडशील्ड के लिए मुझे प्रॉपर 3 से 4 घंटे चाहिए। सो आज जो है अभी मुझे शाम के 5 या 6 बज चुके हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं इंश्योरेंस लेके वो करवाने वाला हूँ। सो क्लेम मैं लेने वाला हूँ इस विंडशील्ड का, जो मुझे क्लेम के बाद में 1600 रुपीज़ का कुछ पड़ेगा, बिकॉज इस पर जो है जीरो डेप्थ वाला इंश्योरेंस नहीं है, तो इसमें 1600 कुछ रुपीज़ लगेंगे।
सो अगर मैं बिना इसके इंश्योरेंस क्लेम के करवाता हूँ तो ये विंडशील्ड मुझे पड़ेगी अप्रॉक्स 6000 की, पर मैं इसको करवाने वाला हूँ इंश्योरेंस लेके। सो वो मैं कल करवाऊँगा, सेम जो इसकी सर्विस है वो भी मैं कल करवाऊँगा। सो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी स्पेशल जगह चाहते हो हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ पर मैं जाके विज़िट करूँ। सो मैं अगर कमेंट सेक्शन में पढ़ूँगा जो मुझे लगेगा कि मेरे को जाना चाहिए, वहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँगा। बाकी तो आप मेरे से रेगुलर जुड़े रहिए मेरे चैनल से, बिकॉज मैं कल या परसों मैं निकलने वाला हूँ, जैसे ही गाड़ी का पूरा काम हो जाता है उसके बाद में हम 3 से 4 फ्रेंड्स हैं जो कि जाने वाले हैं एक ट्रिप पे। सो उसका पूरा कंप्लीट व्लॉग आएगा, वो ज़रूर देखना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। सो विद दैट सेट अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।